हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग ओ सॉरी वीडियो स्टार्ट हो गए। वेलकम टू फिल्मी बॉय है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई साहब 2024 की मच मच एंटिसिपेटेड मूवी सिंघम अगेन सिनेमाज में रिलीज हो चुकी है और मैंने सुबह 8 बजे का शो देखा है। ओ भाई साहब इतनी सुबह उठकर मूवी देखने गए और मैं कहता हूँ पैसे वसूल हुए या नहीं, आज इस बारे में बात करेंगे। भाई साहब सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि जो मैं म्यूजिक वीडियो के स्टार्ट में कह रहा था हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, ओ भाई सलमान खान, लास्ट में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मूवी की सिंपल स्टोरी की। आप सब लोग जानते हैं कि मूवी की जो स्टोरी लाइन है हमें जो ट्रेलर में दिखाई गई थी सिंपल सी है कि करीना कपूर खान को अर्जुन कपूर का जो विलन है डेंजर लंका वो उठाकर ले जाएगा और अजय देवगन उसको बचाने के लिए जाएंगे अवनी को, और उसके रास्ते में उनको जिन जिन लोगों की जरूरत पड़ेगी और उनसे वो हेल्प मांगेंगे उन पुलिस ऑफिसर से और फिर उसको लास्ट में बचा कर आएंगे। मूवी की स्टोरी ख़त्म। भाई साहब इस बार रोहित शेट्टी खेल गया यार। फिल्म के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं आप लोग एक बार हिल जाओगे देखकर, तबाही ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर मैं आप लोगों को बताऊं सिंपल जो 3 कैरेक्टर्स हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाले हैं इस मूवी के अंदर, उसमें से एक है चुलबुल पांडे सलमान खान, एंड नंबर 2 है अर्जुन कपूर, एंड नंबर 3 है टाइगर श्रॉफ। भाई साहब इनकी एक्टिंग तबाही थी यार, कमाल कमाल कमाल। अगर हम लोग अजय देवगन की बात करें तो भाई एज यूजुअल सिंघम ने तो ऐसी तैसी फेर दी सबकी। भाई जब जब वो स्क्रीन पे आता है कमाल, सीटियां तालियां सिनेमा में मैं कहता हूँ पटाखे नहीं थे लेकिन दिवाली से भी बड़ा माहौल था सिनेमा के अंदर और बहुत ज़्यादा तबाही सीन चल रहा था। अगर हम लोग बात करें इंटरवल के सीन की, ओ भाई साहब तबाही सीन था बहुत ज़्यादा कमाल, आप लोग सोच भी नहीं सकते। और लास्ट का जो इंटरवल है आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा, आप लोग इसमें सिंपल वो आएंगे लड़ेंगे बचाएंगे, नहीं भाई साहब लास्ट में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। चुलबुल का पांडे का कैमियो तो है सलमान खान का लेकिन उसमें एक सरप्राइज है, वो मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन भाई साहब आप लोग एक बार हिलने वाले हो। अगर हम लोग एक्शन की बात करें तो बहुत बहुत कमाल एक्शन बनाया, स्मूथ एक्शन जिसके अंदर अगर हम VFX की बात करें तो बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं लेकिन पता ही नहीं चलता। और अर्जुन कपूर का जो कैरेक्टर है जिसको रावण से रिसेंबल किया गया है, आप लोग समझ रहे थे कि वो बहुत हल्का, इस साइड पे इतने सारे कॉप यूनिवर्स के बड़े बड़े नाम रणवीर सिंह अक्षय कुमार अजय देवगन सलमान खान टाइगर श्रॉफ दीपिका पादुकोण सब लोग तबाही हैं और इस साइड पे अर्जुन कपूर, तो भाई नहीं जब वो बंदा आएगा आप लोगों को हिला डालेगा एक बार और तबाही तबाही सीन होंगे। भाई साहब रोहित शेट्टी ने इस फिल्म के अंदर अपनी बाकी तमाम पिछली प्रीवियस मूवीज़ की नस्बत बहुत कमाल डायरेक्शन की है और बिल्कुल हम बोर नहीं होते, फुल फास्ट पेस मूवी है, 2 घंटे 28 से 27 मिनट का इसका रन टाइम है बड़ा, जिसके अंदर शुरू शुरू में सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर डिस्क्लेमर चलता है और फिर मूवी स्टार्ट। जब मूवी स्टार्ट होती है तो हम फुल मूवी के अंदर खो जाते हैं। और भाई साहब मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, नहीं तो मैं आप लोगों को एक एक कैमियो बताता। भाई तबाही सीन है, दीपिका पादुकोण की एंट्री अगर हम देख लें कमाल, टाइगर श्रॉफ की एंट्री देख लें कमाल, सिम्बा रणवीर सिंह कमाल, और लास्ट के इंटरवल में अक्षय कुमार जब आते हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा तबाही सीन था। उन्होंने अपनी आने वाली कॉप यूनिवर्स का फ्यूचर भी बताया है, अपनी आने वाली मूवी भी अनाउंस की है इसके अंदर और वही लास्ट में आप लोग देखोगे, वो मैं रिवील नहीं करूँगा, सरप्राइज है सब लोगों के लिए। और भी 2-3 सरप्राइज हैं जो आप लोग जाकर देखोगे। और इसके अंदर जैकी श्रॉफ का करेक्टर भाई साहब आप लोग समझ लोगे फटाफट पकड़ लिया जाएगा, नहीं बहुत पावरफुल करेक्टर है और जिस तरह से उसके उसका यानी कि रिलेशन दिखाया गया है अर्जुन कपूर के साथ, वो आप लोग मूवी में जाकर देखना कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। और भाई तबाही सीन है, बहुत कमाल सीन है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें करीना कपूर जितनी भी यानी कि
लीड हैं, सब ने अपनी बहुत कमाल फुल ऑन मोड में उन्होंने अपनी एक्टिंग की परफॉर्मेंस दी है। और सलमान खान का लास्ट 2 मिनट का कैमियो, भाई साहब आप लोग पागल हो जाओगे पागल, उस सीन को देखकर इतना ज़्यादा तबाही लेवल सीन है वो, यार मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इसकी एंडिंग पे और पोस्ट क्रेडिट सीन पे एक वीडियो बनाएंगे आज, आप सब लोग जाके इसको एंजॉय करो। और यहाँ सबसे पहले आप लोगों की खातिर रिव्यू लाया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। भूलभुलैया 3 का रिव्यू शाम को आएगा, अभी वही देखने जाना है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।